आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ बहुत ही हेल्दी सुबह का चटपटा टेस्टी नाश्ता, जो कि सुबह के भागदौड़ में सिर्फ 5 मिनट में यूं बनकर के तैयार हो जाता है और खाने में इतना ज्यादा चटपटा और हेल्दी टेस्टी है कि कोई भी इसे जी भर के खा सकता है। तो चलिए नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लेंगे आधा कप गेहूं का आटा। आज ये नाश्ता हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप चावल का आटा। इससे नाश्ता काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होता है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक। कुरकुरेपन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच तेल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। नाश्ते को फ्लफी बनाने के लिए हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बना लेना है। गाढ़ा सा घोल आपको तैयार करना है इसका। तब तक आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर किस सिटी से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से हैं। तो देखिए, मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बन चुका है यहाँ पे और कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अब इस बैटर को साइड में रखते हैं, दूसरा बोल लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ गाजर, 2 बड़े चम्मच ही बारीक ग्रेट किया हुआ चुकंदर, 2 बड़े चम्मच बारीक चॉप किया हुआ प्याज। साथ ही मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर देना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। पनीर को ग्रेट करने के साथ ही इसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे, चुटकी भर ऐड कर देंगे नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट हाथों में लेंगे इस तरह से और इसकी टिक्कियां सी बना लेनी है आपको। तो हल्का सा प्रेस करने के साथ ही इसकी टिक्कियां सी बन जाएगी। याद रहे, इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है तो हल्की सी ये खुल भी सकती हैं। मैंने स्टफिंग को सिंपल ही रखा है, आप चाहें तो इसमें आलू और कुछ और भी सब्जियां ऐड करके इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी टिक्कियां बना करके तैयार कर ली हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पे एक छोटा पैन ले लिया है, ये लोहे का तड़का पैन है, इसे मैंने गर्म कर लिया है। इसमें डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच तेल और इसे अच्छे से पैन में फैला लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच आटे वाला बैटर डाल देंगे। आप इसे बड़े छोटे कैसे भी बना सकते हैं। इसके ऊपर से वो टिक्की जो हमने बनाई थी पनीर वाली और सब्जियों वाली, उसे डाल देंगे बीचों बीच और ऊपर से बैटर की सहायता से इसे पूरा कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पे लोहे का तड़का पैन इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है, नहीं तो ये चिपक सकता था। बट अगर आपके पास नॉन स्टिक वाला है तो आप उसे हल्का सा सिर्फ ऑयल से ग्रीस करके भी ये नाश्ता बना सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे एक साइड से। 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है, ढक्कन हटा कर देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर से भी हल्का सा सेट दिखाई दे रहा है। ऊपर से हल्का सा तेल डालेंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए ना चिपके। इसे केयरफुली अच्छे से पलट लेते हैं और इसे फिर से हम ढक करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे दूसरे साइड से भी 1 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पका लिया है और दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये सिक चुका है, पक चुका है अंदर तक। तो ये हो चुका है रेडी, इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा नाश्ता फ्लफी तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी तैयार होता है ये नाश्ता। तो देखिए, दूसरा वाला भी ऐसे ही हम बना लेंगे। फिर से तड़का पैन में 1/2 छोटा चम्मच तेल ऐड करके अच्छे से फैला लेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें बैटर डालेंगे, बीचों बीच इसके टिक्की रखेंगे और ऊपर से भी इसे बैटर की सहायता से ढक देंगे। अब इसे ढक करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पे एक साइड से पकाने के बाद ढक्कन हटा करके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल करके इसे पलट करके दूसरे साइड से भी ढक करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। 2 मिनट में ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएगा, तो इसे निकाल लेंगे। हमारा गेहूं के आटे का बहुत ही चटपटा टेस्टी हेल्दी क्विक एंड ईजी सा नाश्ता रेडी हो चुका है। इसे आप ऐसे ही या फिर 2 भागों में बीच से कट करके सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।